अस्सलाम वालेकुम अजीज तालिब इल्म और अजीज व्यूअर्स। अच्छा, ये मेरी वीडियो कुछ लेट हो गई है, तो अभी ये शॉर्ट वीडियो है। आज का जो हमारा टॉपिक है डीपी सीपी मॉड्यूल 3 सिस्टम इस पर गेयर फार्मूलाज। याद रखिएगा, गेयर जो है वो 3 तरीकों से काटे जाते हैं। डीपी सिस्टम, इसमें भी इंच में पैमाइशें होती हैं। सीपी सिस्टम, इसमें भी इंच में पैमाइशें होती हैं। और मॉड्यूल सिस्टम, मॉड्यूल में मिलीमीटर की पैमाइश होती है। ये जो मैंने टेबल बनाया है आपको, ये देखें कि डीपी सिस्टम में डायमीटरल पिच होता है, सीपी की जो बुनियाद है सर्कुलर पिच पर है, मॉड्यूल जो है वो मिलीमीटर में। ज़्यादा फर्क नहीं होता। फाइंड डीपी अगर फाइंड करना है तो डीपी बराबर होता है नंबर ऑफ फीट डिवाइडेड बाय पिच डायर। लेकिन अगर सीपी मालूम करना होता है सर्कुलर पिच, तो पाई मल्टीप्लाई पिच डायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीट, यानी पिच डायर के ऊपर जो सर्कल होता है तो उस सर्कल के ऊपर 1/3 से 30 से दूसरे 30 तक का फासला सीपी कहलाता है। मॉड्यूल में पिच डायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीट, ठीक है। पिच डाया मालूम करना है आपने। डीपी के अंदर क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ फीट डिवाइडेड बाय डीपी। सीपी के अंदर पिच डाया मालूम करना है तो नंबर मल्टीप्लाई सीपी डिवाइडेड बाय पाई। और मॉड्यूल के अंदर आपको पता होता है कि नंबर ऑफ फीट मल्टीप्लाई मॉड्यूल, तो हमारे पास किसके बराबर होगा, पिच डाया के बराबर। अब ये n है नंबर ऑफ टीथ, डीपी के अंदर ये बराबर होता है डीपी मल्टीप्लाई पिच डाया। सीपी के अंदर नंबर ऑफ टीथ किस तरह मालूम किए जाते हैं, पाई मल्टीप्लाई पिच डाया डिवाइडेड बाय सीपी। मॉड्यूल के अंदर नंबर ऑफ टीथ किस तरह मालूम किए जाते हैं, पिच डाया डिवाइडेड बाय मॉड्यूल। एडिंडम, गेयर के टॉप से लेके जो उसका पिच डाया होता है वहां तक का फासला एडिंडम कहलाता है। डीपी के अंदर एडिंडम बराबर होता है 1/DP। सीपी के अंदर एडिंडम बराबर होता है सीपी डिवाइडेड बाय पाई। और एडिंडम मॉड्यूल के अंदर बराबर होता है मॉड्यूल ही के। मॉड्यूल को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड्यूल ही आएगा, यानी मॉड्यूल के बराबर होता है। एडिंडम पिच डाय तक, तो टॉप से पिच डाय तक तो एडिंडम हो गया, उससे नीचे पिच डाय से लेके इसका जो बॉटम डायमीटर होता है वहां तक एडिंडम कहलाता है। डीपी के अंदर एडिंडम बराबर होता है 1.157 डिवाइडेड बाय डीपी। सीपी के अंदर एडिंडम बराबर होगा 1.157 मल्टीप्लाई सीपी डिवाइडेड बाय पाई। मॉड्यूल के अंदर एडिंडम बराबर होगा 1.157 मल्टीप्लाई मॉड्यूल। ये 1.157 जो है ना, बार दफा होता है 1.166। क्लियरेंस के अंदर, डीपी के अंदर क्लियरेंस बराबर होती है 0.157 डिवाइडेड बाय डीपी। क्लियरेंस सीपी के अंदर बराबर होती है 1.157 मल्टीप्लाई सीपी डिवाइडेड बाय पाई। और मॉड्यूल में क्लियरेंस बराबर होती है 0.157 मल्टीप्लाई मॉड्यूल। ओडी, डीपी के अंदर ओडी का फार्मूला आप लोगों को पता है, एन प्लस नंबर ऑफ टीथ प्लस 2 डिवाइडेड बाय डीपी इक्वल टू ओडी। सीपी के अंदर ओडी बराबर होता है नंबर ऑफ टीथ मल्टीप्लाई सीपी डिवाइडेड बाय पाई। मॉड्यूल के अंदर n प्लस 2 मल्टीप्लाई मॉड्यूल इक्वल टू ओडी। अच्छा, अब ये डीपी मालूम करना है। देखें, ये डीपी जो है और ये डीपी, ये तो आपको पिच डाया पता होगा तो आप डीपी मालूम कर सकेंगे। यहाँ डीपी हमारे पास जब गेयर आता है तो उसमें नंबर ऑफ टीथ होते हैं और ओडी पता होता है, तो ओडी किसके बराबर होगा, डीपी का। डीपी सिस्टम, डीपी मालूम करना है इंच के अंदर, तो n प्लस 2 डिवाइडेड बाई ओडी। ओडी को आपने इंच में लेना है। सीपी के अंदर डीपी बराबर होगा
यानी सर्कुलर पिच बराबर होगी, मालूम हम कर सकते हैं ऐसे, एन प्लस टू मल्टीप्लाई सी पी डिवाइडेड बाई पाई इक्वल टू डी पी। इसी तरह ओ डी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टी प्लस टू इक्वल टू माडूल, ये तो डी पी है लेकिन ये क्या है, ये माडूल हमें लेना है, तो ओ डी को नंबर ऑफ टी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माडूल। मिलीमीटर में माडूल होता है, इंच में डीपी कटर होता है, मिली में माडूल कटर होता है। ठीक है, ये माडूल ओडी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टी प्लस टू डिवाइडेड बाय ओडी नंबर ऑफ टीथ। डीपी के अंदर टीपी मल्टीप्लाई ओडी माइनस टू इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ। सीपी के अंदर ओडी मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय सीपी आ जाएगा नंबर ऑफ टीथ। OD डिवाइडेड बाई मॉडूल माइनस टू नंबर ऑफ टीथ। वर्किंग डेप्थ 2.157 डिवाइडेड बाई DP वर्किंग डेप्थ आ जाएगी। CP के अंदर वर्किंग डेप्थ होगी पाई डिवाइडेड बाई CP और वर्किंग डेप्थ मॉडूल में होगी 2.157 मल्टीप्लाई मॉडूल CP। CP सर्कुलर पिच यानी पिच, CP सर्कुलर पिच यानी पिच DP के अंदर होती है पाई डिवाइडेड बाई DP और CP के अंदर तो ऑलरेडी ही सर्कुलर पिच होती है, उसका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि ये CP किस तरह मालूम किए जाते हैं, और मॉड्यूल के अंदर पिच बराबर होती है पाई मल्टीप्लाई मॉड्यूल। तो ये देख लें, ये टेबल को अच्छे तरीके से देख लें, कोई सवाल कोई आपने पूछना हो तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इसको जिस तरीके से मैंने बताया इसको ऐसे ही पढ़ना है और इसको अच्छे से याद करें, और कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही शाही निसार को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।